नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में जिला न्यायालय से 13 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको बता दें, चिखली पुलिस चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक साल पहले हुए घटना में 3 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने से ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जिला न्यायालय ने आरोपी शेखर कोर्राम को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दी गई फांसी की सजा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से। सीजी न्यूज प्लस 24 की खास रिपोर्ट पर देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24। जी, हमने इस केस के लिए मुख्यमंत्री, विधि विधायी मंत्री, राज्यपाल, पुलिस विभाग, सभी जगह हमने आवेदन लगाया और हम पूरी टीम के साथ में पीड़ित परिवार के साथ हर डेट पे कोर्ट पे खड़ा होते थे ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। जी, चिखली थाना के अंतर्गत 3 साल की बच्ची के साथ में 1 साल पूर्व रेप और हत्या का मामला आया था, जिसमें जिला न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया। और मैं तमाम मीडिया के भैया और पुलिस विभाग और जिला न्यायालय के सभी अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जीवनदान संस्था की ओर से कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला देकर अपराधियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। अब अपराधी ऐसी घटनाओं का अंजाम देने के लिए कई बार सोचेंगे। जीवनदान संस्था से महेंद्र जंघेल। मुझे अच्छा लग रहा है और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, जो न्यायालय को धन्यवाद देता हूं मैं, और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, और पत्रकारों को धन्यवाद देती हूं, जीवनदान संस्था को धन्यवाद देती हूं, और चिखली प्रभारी पुलिस थाना सभी को धन्यवाद। को बहुत अच्छा लग रहा है फांसी दिया तो। बात है ही है, शहर के लिए भी और समाज के लिए भी एक गर्व की बात है कि इस मामले में इतनी जल्दी फैसला हुआ। आजकल छोटे बच्चों के साथ ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किल ये है कि जो आसपास के लोग ही ऐसे अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। तो इस फैसले से लोगों के मन में थोड़ा सा संदेश जाएगा, थोड़ा भय होगा इस टाइप के लोगों का कि इस अपराध से बचें। इसमें लिया मामला, पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, हमने पेश किया साक्ष्य को, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल की आधुनिक तकनीक है, डीएनए टेस्ट, है ना। डीएनए टेस्ट में जो तकिया के खोल में बच्ची की लार और जो उसके नमूने लिए गए आरोपी के, दोनों मैच पाए गए, तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह गई। और दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए विद्वान न्यायाधीश श्री शैलेश शर्मा जी के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई उसमें।